हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर्स इन सिंपल वे। कैसे शेयर्स में हम लोग एक सिंपल तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अपना जो टॉपिक है उसका नाम है हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर्स इन सिंपल वे। शेयर्स इन सिंपल वे, ओके। अभी ये स्टार्ट करने से पहले अभी अपने को हर एक शेयर के 7 टाइप के रेट्स होते हैं, 7 टाइप की प्राइस रहती है हर एक शेयर की, 7 टाइप की प्राइस रहती है हर दिन की, उसके बारे में अपने को नॉलेज होना चाहिए। तो ये 7 प्राइजेस कौन सी है। सबसे पहले जो प्राइस है ईयरली लो, मतलब पूरे ईयर में ये कितना अब तक मिनिमम प्राइस पे आया है उसको बोलते हैं ईयरली लो। दूसरी प्राइस है ईयरली हाई, अब तक ये कितना ऊपर तक गया है, मैक्सिमम कितना ऊपर तक गया है उसको बोलते हैं ईयरली हाई। बाद में अगली जो प्राइस होती है प्रीवियस क्लोज, मतलब कल के दिन ये कितने प्राइस को क्लोज हो गया उसको क्या बोलते हैं प्रीवियस क्लोज। बाद में अगली प्राइस है ओपन। अभी ओपन का मतलब है आज जब मार्केट ओपन हो गया तो कितने प्राइस को ओपन हो गया। अभी प्रीवियस क्लोज और प्रीवियस ओपन ये प्राइस सेम नहीं होती, क्योंकि अपना जो शेयर मार्केट रहता है ये सुबह 9 बजे ओपन होता है और 9 से 9:07 तक इधर बड़े बड़े ऑर्डर्स आते हैं और उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। अभी 9 से 9:07 तक ऑर्डिनरी पर्संस इसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ऑर्डिनरी पर्संस के लिए ये मार्केट ओपन होता है 9:15 को, 9 बजे से लेकर 9:07 तक ये मार्केट अपने लिए ओपन नहीं होता। तो 9 बजे मार्केट ओपन होता है, 9:07 फिर से ये थोड़ा सा क्लोज हो जाता है 8 मिनट के लिए और बाद में 9:15 को मार्केट नॉर्मल ओपन हो जाता है। तो प्रीवियस क्लोज मतलब कल का क्लोज और ओपन मतलब जब मार्केट ओपन होता है 9:15 तब उसकी प्राइस होती है ओपन। बाद में हर दिन कैसे रहता है उसकी प्राइस नीचे जाती है ऊपर जाती है। तो हर दिन सबसे मिनिमम जो प्राइस नीचे गई है उसको बोलते हैं डेली लो। और आज के दिन में उस पर्टिकुलर दिन में कितने ऊपर तक गई है उसको बोलते हैं डेली हाई। जैसे ईयरली लो ईयरली हाई है वैसे ही डेली लो है और डेली हाई है। उसके बाद लास्ट प्राइस आती है क्लोज। तो ये प्राइजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ईयरली लो ईयरली हाई प्रीवियस क्लोज ओपन डेली लो डेली हाई और क्लोज। ओके, तो ये प्राइजेस है। अभी जो क्लोज प्राइस है, क्लोज प्राइस को हम लोग बोलते हैं CMP, करंट मार्केट प्राइस या CMP। ओके, तो अभी ये 7 प्राइजेस हो गई। अभी अपने को क्या करना है ये प्राइजेस का, तो सबसे पहले अपने को काम में आने वाली प्राइस है ये ईयरली हाई प्राइस, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। ये ईयरली हाई प्राइस आपके काम में आने वाली प्राइस है। बाद में क्लोज प्राइस ये आपके काम में आने वाली प्राइस है। ये 2 प्राइजेस है ये आपके काम में आने वाली है। अभी उसको यूज़ कैसे करना है ये हम लोग देखेंगे।
ओके अभी इनको यूज़ कैसे करना है, अभी कैसे रहता है, अभी हम लोग जब शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला अपने को एक अच्छा अमाउंट कैपिटल का चाहिए। 1 लाख तक सजेस्टेड है, तो समझो आपके पास 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करने के लिए है। और आपको इन्वेस्ट कैसे करना है, इन्वेस्ट आपको इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट करना है। पैसा जो आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है वो आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा इन्वेस्ट करना है। आपको पूरा 1 लाख रुपया एक ही अमाउंट लमसम में नहीं डालना है, आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल अभी आपके पास समझो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करने के लिए है, तो आपको ये जो अमाउंट है ये आपको हर महीना आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। अभी पर मंथ इन्वेस्टमेंट कैसे रहेगा, इन्वेस्टमेंट पर मंथ आपका रहेगा 1 लाख, आपको पूरा इन्वेस्ट करना है। और समझो महीने ईयर में 12 मंथ्स से, तो 1 लाख को 12 से डिवाइड करो। 1 लाख को 12 से डिवाइड करने के बाद आपको आता है राउंड अबाउट 8300 ये अमाउंट है आपकी। अभी आपको क्या करना है, हर महीना 8300 ये अमाउंट आपको हर महीना शेयर्स में इन्वेस्ट करनी है। अभी शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट करना है, आपको क्या करना है, एक ही कंपनी के ऊपर फोकस नहीं करना है। आपको ये जो अमाउंट है 8300 ये आपको डाइवर्सिफाई करनी है अलग अलग शेयर्स में, अलग अलग अच्छे शेयर्स में आपको आपका ये पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अभी अच्छे शेयर्स मतलब कौन से, जिसकी मूवमेंट अच्छी रहती है, या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है बहुत, अगर समझो जो डिफरेंस है कल का प्राइस और आज का प्राइस, उसमें डिफरेंस बहुत होना चाहिए, जिसको हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। तो मोमेंटम या तो नीचे वाली या ऊपर वाली ये बड़ी होनी चाहिए, तो उस शेयर्स में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। अभी फॉर एग्जांपल अभी हम लोग क्या करते हैं, एक 8-10 कंपनी में आपको सजेस्ट करता हूँ जिसमें आपको पैसा परचेस करना चाहिए। तो 8-10 कंपनी में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, और वो किस तरह इन्वेस्ट करना है ये हम लोग देखेंगे। अभी समझो कौन सी कंपनी है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले लेते हैं एक्सिस बैंक की अच्छी कंपनी है। उसके बाद अगली कंपनी सन फार्मा, सन फार्मा, बाद में अगली वेदांता, हिंदाल्को, अंबुजा सीमेंट, बाद में आईटीसी, फिर पावर ग्रिड, ऑरो फार्मा, आईसीआईसीआई बैंक, तो फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने समझो ये आईसीआईसीआई बैंक नहीं लेते, ये 8 कंपनी हम लोग ने ली है, 8 कंपनी हम लोग ने ली है। अभी अपने को क्या करने का है, हर एक कंपनी में आपको कितना इन्वेस्ट करना है ये फाइंड आउट करना है। तो इन्वेस्टमेंट पर कंपनी पर मंथ ओके। तो अभी आपको ये जो 8300 रुपया है ये आपको 8 कंपनी में इन्वेस्ट करना है। इसको डिवाइड करेंगे, 8300 को 8 से डिवाइड किया, अभी ये अराउंड अबाउट आता है 1041
1041 ये आपको इन्वेस्ट करना है हर एक कंपनी में, एवरेज अमाउंट है, ठीक है। तो एवरेज पर मंथ निकाला, एवरेज पर कंपनी निकाला। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहला हर एक कंपनी का ईयरली हाई आपको देखना है। तो एक्सिस बैंक का ईयरली हाई है 799, बाद में सन फार्मा का 679, वेदांता 288 है, फिर हिंदाल्को 404, फिर अंबुजा सीमेंट 326, आईटीसी 239, पावर ग्रिड 238, ओरो फार्मा 1039। तो ये जो प्राइस है ना, ये ईयरली हाई प्राइस हर एक शेयर्स की है, ठीक है। अभी अभी ये जो प्राइस है हर शेयर्स की, ईयरली हाई प्राइस है। अभी इसके बाद अपने को देखनी है करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस हर एक शेयर्स की है, एक्सिस की 716, फिर सन फार्मा है 679, एक्चुअली ये 696 है, तो सन फार्मा 679, बाद में वेदांता 283, हिंदाल्को 401, फिर अंबुजा सीमेंट 312, आईटीसी 205, पावर ग्रिड 214 और ओरो फार्मा 1013। अभी इधर ध्यान दो, ये आपकी ईयरली हाई प्राइस है, अब तक इतना ऊपर जा चुका है, और ये करंट मार्केट प्राइस, ये क्लोज प्राइस है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहला प्राइस डिसाइड करनी है, परचेस प्राइस। तो परचेस प्राइस कैसे डिसाइड करनी है आपको, आपको ये जो ईयरली हाई अमाउंट है, ईयरली अमाउंट का 10% आपको कम करना है। तो परचेस प्राइस आपको जो डिसाइड करनी है, लेस 10%, तो लेस 10% किसका, ईयरली हाई का। ईयरली हाई का समझो अब ये 799 है, तो ऑलमोस्ट इसका 80 रुपीज़ आप कम कर दो, 80 रुपीज़ कम करके 719, फिर सन फार्मा 696 से उसका 70 रुपीज़ आप कम कर दो 626, फिर अगला वेदांता 28 है उसका 29 कम कर दो, फिर हिंदाल्को इसका 41 कम कर दो, इसका अंबुजा सीमेंट 326 इसका 33 कम कर दो, फिर आईटीसी 239 इसका 24 कम कर दो, पावर ग्रिड 238 इसका 24 कम कर दो, और 1039 ओरो फार्मा इसका 104 कम कर दो। तो आपने क्या किया, प्राइस, परचेस प्राइस डिसाइड किया, हर एक का जो परचेस प्राइस आपने 10% से कम किया। अब ये शेयर्स अच्छे होने चाहिए, मतलब जिसमें मोमेंटम अच्छा होना चाहिए। तो आपने क्या किया, हर शेयर की जो प्राइस है आपने 10% से कम की। अभी आपको क्या करना है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि ये परचेस प्राइस है तो आपको कितना क्वांटिटी शेयर्स परचेस करना है। ये परचेस प्राइस है, फिर आपको डिसाइड करना है क्वांटिटी कितना लेना है हर एक कंपनी का। तो क्वांटिटी कैसे डिसाइड करेंगे, क्वांटिटी डिसाइड करने के लिए आपका पर मंथ इन्वेस्टमेंट कितना है, 1041 को आपको परचेस प्राइस से डिवाइड करना है। अब ये 719 है तो ये तो एक ही आएगा, 1041 मतलब सन फार्मा भी एक ही आएगा। उसके बाद अगला जो है वेदांता 288 है, तो उसको आप क्या करो, 1041 डिवाइडेड बाय ये प्राइस है 259 से डिवाइड करो, तो ये 4 पॉइंट समथिंग आ गई, तो ये 4 आप परचेस करो,
ठीक है, बाद में हिंदाल्को, हिंदाल्को 1041 डिवाइडेड बाय 363 ये 2.86 है, तो इसका 3 परचेस करो। फिर अंबुजा सीमेंट 293, 1041 डिवाइड बाय 293 तो ये 3.55 कुछ आ रहा है, 4 परचेस करो। फिर ITC 1041 डिवाइडेड बाय 215 इसका 4.84 इसका 5 परचेस करो, इसका भी उतना ही आएगा। 1041 डिवाइडेड बाय 214 5 परचेस करो, और आखिर में ऑरो फार्मा ये एक ही आएगा। तो ये अपने क्वांटिटी डिसाइड किया कितना परचेस करना है। अभी क्वांटिटी इतना परचेस करना है, उसके बाद आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो परचेस प्राइस उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, आपको अमाउंट आ जाएगा। तो ये एक्सिस बैंक का आ गया 719, फिर सन फार्मा का 626, वेदांता का 1036, फिर हिंदाल्को 1089 थोड़ा सा ऊपर नीचे एवरेज से हो रहा है, फिर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है वो एवरेज में एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद 1075, 1070 और 935। तो ये आपने क्या किया, उसका अमाउंट कैलकुलेट किया। अभी क्या करो, आप इसका टोटल ले लो, देखो टोटल कितना हो रहा है आपका। तो टोटल आपका हो रहा है 7722। तो अभी 8300 डिसाइड किया था और आपने किया कितना 7700। तो और आपके पास कुछ बैलेंस बचता है, तो और एक हम लोग इधर ICICI का एक लॉट ले लेते हैं। ICICI का ईयरली हाई है 679 और उसका करंट मार्केट प्राइस है 607। तो इसको परचेस करना है आपको 679 माइनस 68 मतलब 611 को एक परचेस करना है, ठीक है। तो अभी ये आपका इन्वेस्टमेंट पूरा हो गया 8333। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है, पहला आप डिसाइड करो पूरा इन्वेस्टमेंट कितना है, फिर पूरा इन्वेस्टमेंट को 12 से डिवाइड करो। 12 से डिवाइड करने के बाद आपको मंथली इन्वेस्टमेंट पता चलेगी, मंथली इन्वेस्टमेंट डिवाइड करने के बाद आपको पर कंपनी इन्वेस्टमेंट पता चलेगी। समझो 8 कंपनी में आपको परचेस करना है, तो पर कंपनी आपको 1041 इन्वेस्ट करना है। अभी आपको क्या करना है, जो भी ईयरली हाई प्राइस है, जो भी ईयरली हाई प्राइस है उसका 10% लेस वैल्यू को परचेस करना है, 10% लेस वैल्यू को परचेस करना है। और उसका क्वांटिटी बाद में आपको डिसाइड करना है, हर एक वैल्यू को आपको क्या करना है, परचेस प्राइस से डिवाइड करके क्वांटिटी डिसाइड करना है, ठीक है। और क्वांटिटी डिसाइड करने के बाद आपको क्या करना है, परचेस प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी है। परचेस प्राइस डिसाइड करने के बाद आपको क्या डिसाइड करना है, सेलिंग प्राइस कितने को बेचने का है। अभी सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, कि जो वैल्यू को परचेस किया है उसमें 10% एक्स्ट्रा ऐड करो। तो परचेस प्राइस के इधर क्या लिखा है मैंने, -10%, तो सेलिंग प्राइस के इधर +10% लिखने का। सेलिंग प्राइस में +10% किसका, परचेस प्राइस का 10%। अभी ये 719 है, तो 719 मतलब इसमें आप क्या करो, 72 रुपीज़ ऐड करो, ओके 70 रुपीज़ ऐड करो, 791 में बेचेंगे, 626 है, इसमें 63 रुपीज़ ऐड करो, 689 को बेचेंगे,
259, इसमें 26 रुपीज़ ऐड करो, 363, इसमें 37 रुपीज़ ऐड करो, 293, इसमें 30 रुपीज़ ऐड करो, 215, इसमें 22 रुपीज़ ऐड करो, 214, इसमें 22 रुपीज़ ऐड करो, 935, इसमें 94 रुपीज़ ऐड करो, और ये 611 है, इसमें 62 रुपीज़ ऐड करो और ये बेचो। तो अभी टोटल लेंगे, इसका जो टोटल है 4 ओके, इसका टोटल लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपका सेलिंग प्राइस है, उसको आपने हम लोगों ने क्वांटिटी से डिवाइड नहीं किया है, तो ये सेलिंग प्राइस है आपकी, इससे आपको सेल करना है। तो सबसे पहले परचेस प्राइस आपने कैलकुलेट की, उसके बाद सेलिंग प्राइस आपको आपने कैलकुलेट की, ये प्राइस को आपको सेल करना है। अभी इधर आपको ध्यान में रखने का है कि हर बार ये प्राइस आपकी इतनी नहीं जाएगी, कभी कभी मार्केट नीचे आना चालू हो जाता है, तो आपको आगे डिसाइड करना पड़ता है नेक्स्ट परचेस कितना है। नेक्स्ट परचेस पर सबसे पहला तो परचेस किया, आपको फिर डिसाइड करना है नेक्स्ट परचेस कितने अमाउंट को करना है। आपको क्या लगता है नेक्स्ट परचेस कितने अमाउंट को करना चाहिए, नेक्स्ट परचेस कितने अमाउंट को करना चाहिए? बराबर है, जो पहले का परचेस प्राइस था उसमें और 10% लेस करने का, पहले के परचेस प्राइस में आपको और 10% कम करना है। ओके, तो पहला प्राइस कितना था 719, तो इधर प्लस 10% किया, इधर माइनस 10% करने का, 719 माइनस 72, इसको नेक्स्ट परचेस करना है, 626 माइनस 63, फिर 259 माइनस 26, फिर 363 माइनस 37, फिर 293 माइनस 30, फिर 215 माइनस 22, 214 माइनस 22, 935 माइनस 94 और 611 माइनस 61, तो ये वैल्यू को आपको नेक्स्ट परचेस करना है। ठीक है, अभी इधर क्या होगा, आप क्या कर रहे हो, पहला जो परचेस कर रहे हो और दूसरा परचेस पर कर रहे हो, तो इधर क्या होता है, आपकी एवरेज प्राइस कम हो रही है। इधर आप क्या कर रहे हो, आपकी जो एवरेज प्राइस है वो आप कम कर रहे हो। अभी एवरेज प्राइस कितनी होगी, पहला परचेस और दूसरा परचेस डिवाइडेड बाय टू, पहला परचेस प्लस दूसरा परचेस डिवाइडेड बाय टू, तो ये प्राइस आपकी हो गई 683। पहला 719 था, 719 थी, दूसरी 683 हो गई, और उसको दो से डिवाइड किया तो आपकी परचेस प्राइस भी कम हो गई। तो इधर क्या कर रहे हो, आप परचेस प्राइस को नीचे खींच रहे हो, तो उसी तरह आपकी जो नेक्स्ट सेलिंग प्राइस होगी वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट सेलिंग प्राइस, अभी आपकी नेक्स्ट सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 683 के ऊपर 10%, मतलब आप 69 को बेचेंगे तो 752 को बेचेंगे। पहले आप कितने को बेचने वाले थे, 791 को, अभी आप कितने को बेचेंगे, 752। तो सिंपल टेक्निक आपको ध्यान में देना है कि मार्केट जब ऊपर जा रहा है, 10% ऊपर गया तो आप सेल करो, 10% नीचे आया तो बाय करो, बाद में आपका जो लेवलिंग है ना, एवरेजिंग, वो बराबर आ जाता है
और फिर आपको 10% ऊपर उस लॉट को सेल करना है। ये टेक्निक आपको यूज़ करनी है और ये टेक्निक यूज़ करने के बाद आपको धीरे धीरे प्रॉफिट आना चालू हो जाता है, क्योंकि ये सही टेक्निक है, ये प्रूव्ड टेक्निक है, इससे आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो आपको सिंपल तरीका मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। ये मैं थोड़ा सा एक टेबल पूरा कर लेता हूँ। तो इसकी एवरेज प्राइस आ गई 683, फिर इसकी एवरेज प्राइस आ गई 594.5, इसकी एवरेज प्राइस 246, इसकी एवरेज प्राइस 344, इसकी एवरेज प्राइस 278, 204, 203, 888 और ये 580.5। तो देखो एवरेज प्राइस आपको पहले परचेस प्राइस से कम होती हुई दिखाई दे रही है, 683, 594.5, 246, 344.5, 278, 204, 203, 888 और ये 580। अब इसकी नेक्स्ट सेलिंग प्राइस होगी 594.5 प्लस 60, उसके बाद 246 प्लस 25, इधर 344.5 प्लस 35, इधर 278 प्लस 28, इधर 204 प्लस 21, 203 प्लस 21, 888 प्लस 89, 580 प्लस 59, ठीक है। तो ये आपकी नेक्स्ट सेलिंग प्राइस भी कम हो गई, 791 थी तो 752 आ गई, 689 थी तो 654.5 आ गई, 285 टू 271 आ गई, 400 टू 379.5 आ गई, 323 टू 306, 237 टू 225, 236 टू 224, 1029 टू 977, 673 टू 639। तो ये टेक्निक आपको यूज़ करनी है। मतलब सबसे पहले फिर से मैं एक बार आपको पूरा टेक्निक एक्सप्लेन करता हूँ। अभी सबसे पहले हम लोग ने देखा कि शेयर्स की कितनी प्राइजेस होती है, ईयरली लो, ईयरली हाई। मतलब ईयरली लो मतलब पूरे ईयर में कितना नीचे तक गया है, ईयरली हाई मतलब कितना ऊपर तक गया है, फिर प्रीवियस क्लोज जो कल का क्लोज है आज का प्रीवियस क्लोज बन जाता है, फिर मैंने बताया 9:15 बजे मार्केट ओपन हो जाता है तो उसकी प्राइस ओपन प्राइस है, डेली लो डेली हाई, बाद में आज के दिन में कितना नीचे तक गया, डेली हाई मतलब कितना ऊपर तक गया, फिर क्लोज मतलब CMP करंट मार्केट प्राइस। तो ये हम लोग ने एग्जांपल लिया है, ये 8-9 शेयर कंपनी के शेयर्स लिए हैं, उसकी ईयरली हाई प्राइस है और ये करंट मार्केट प्राइस है। अभी आपको क्या करना है, डिसाइड करना है फर्स्ट परचेस प्राइस। फर्स्ट परचेस प्राइस ये जो है आपके ईयरली हाई से 10% आपको कम रखनी है, 10% आपने कम रखी ईयरली हाई, परचेस प्राइस आपकी 10% कम है। फिर हम लोग ने क्या किया, आपको पूरे ईयर में समझो 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट करना है, तो पर मंथ डिसाइड करो, 1,00,000 / 12, 8,333। अभी ये पर मंथ की अमाउंट है 8,300, समझो अभी ये 8,300 आपको क्या करना है, 8-9 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। तो हर एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 8,333 / 8 मतलब 1,041, इतनी आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो 1,041 आपको हर एक कंपनी में हर महीना इन्वेस्ट करना है। अभी आपको अभी इधर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। अभी एक्सिस बैंक इसका रेट ज़्यादा है तो एक शेयर परचेस करो, सन फार्मा का रेट ज़्यादा है तो एक परचेस करो, 259 को डिवाइड किया 1,041 से 4 आ गया, फिर 363 को 1,041 से डिवाइड करके 3 आ गया, 293 को 1,041 से डिवाइड करके 4 आ गया। तो आपको हर एक कंपनी के परचेस प्राइस को 1,041 से डिवाइड करके क्वांटिटी निकालनी है। अभी क्वांटिटी निकालने के बाद आपको अमाउंट निकालने का है, परचेस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाएगा। तो ये परचेस प्राइस आपने फिक्स की, उसके बाद आपको सेलिंग प्राइस फिक्स करनी है। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस आपकी जितनी परचेस प्राइस है उसमें 10% ऐड करना है। 719 है, 719 में आपको 72 ऐड किया,
626 है, तो इसको आपने 63 ऐड किया, 259 है तो 26 ऐड किया, 363 है 37 ऐड किया, 293 है 293 तो 30 ऐड किया, 215 है 215 तो 22 ऐड किया, 214 22 ऐड किया, 935 94 ऐड किया, 611 62 ऐड किया, तो ये सेलिंग प्राइस है। पास में मैंने जैसे आपको बोला था कभी कभी मार्केट नीचे आ जाता है तो आपको उसके बाद नेक्स्ट परचेस प्राइस भी डिसाइड करनी है। नेक्स्ट परचेस प्राइस कितनी होनी चाहिए, जो पहले वाले परचेस प्राइस थी उसका 10% कम, 719 है 72 कम कर दो, 626 है तो 63 कम कर दो, 259 है तो 26 कम कर दो, आपको हर एक परचेस प्राइस को 10% कम करना है। तो इससे होता क्या है, आपकी एवरेज प्राइस पर शेयर कम हो जाती है। मतलब एवरेज प्राइस मतलब कितनी, पहला परचेस और दूसरा परचेस उसको दो से डिवाइड किया तो ये एवरेज प्राइस है, तो आपकी एवरेज प्राइस कम हो गई, तो बट नेचुरल आपकी सेलिंग प्राइस भी कम हो जाएगी, तो इसमें आपको 10% ऐड करना है, तो ये आपकी सेलिंग प्राइस कम हो गई। तो इस तरह आपको शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब मेरा नंबर भी इधर मैं डालता हूँ, मेरा मेल आईडी मैं इधर डालता हूँ, आप बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरा ईमेल आईडी है नीलेश सर 01@gmail.com और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9653203737। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको आप इसे देखो और शेयर करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।